नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 16 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में उद्योगों के लिए भूमि का मूल्य 50% तक होगा कम। अब आवास की स्वीकृति मिलेगी भूमि उपलब्ध करवाने के बाद ही। ऑनलाइन ही मिलेंगे जमीन संबंधी दस्तावेज। बिहार के 20 शहरों के लिए मास्टर प्लान का काम जल्द होगा शुरू। बैडमिंटन में थॉमस कप जीत भारत ने रचा इतिहास। नीतीश कुमार ने दी शुभकामनाएं। चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में उद्योगों के लिए भूमि का मूल्य 50% तक होगा कम। बिहार के उद्यमियों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। उद्योग विभाग जल्द ही उद्यमियों को एक बड़ी राहत देने की घोषणा करेगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बियाडा के भूखंडों की कीमत 50% तक कम की जाए सकती है। ये अलग बात है कि राजधानी पटना और आसपास बियाडा के भूखंड की उपलब्धता ही नहीं है और ना ही के बराबर है। वैसे उम्मीद है कि अगले 6 महीने में कई वैसे उद्यमियों से भूमि वापस ली जा सकती है जो उद्योग नहीं चला रहे हैं। आमतौर पर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा उद्यमियों को उद्योग स्थापित किए जाने को लेकर भूमि उपलब्ध कराई जाती है। उद्योग विभाग के पास फीडबैक था कि भूमि की अधिक कीमत के कारण उद्यमी कतराते हैं। उच्च स्तर पर विमर्श के बाद ही अब बिहार में उद्योग के लिए भूमि का मूल्य 50% तक कम करने का निर्णय लिया गया है, जिससे उद्यमियों को यकीनन काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे नेहा शर्मा की। अपनी खूबसूरती और बोल्डनेस के चलते बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। नेहा शर्मा का जन्म बिहार के भागलपुर जिले में हुआ। नेहा के पिता कांग्रेस के नेता रहे हैं और नेहा राजनीति की तरफ ना जाकर सिनेमा का रुख करती देखी गई थी और आज वो सफल भी है। साल 2007 में तेलुगु फिल्म चिरुता से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने की। वहीं बॉलीवुड में नेहा ने मोहित सूरी की फिल्म ग्रुप में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके सामने लीड हीरो इमरान हाशमी थे। इस वक्त इंस्टाग्राम पर नेहा शर्मा के कई मिलियन फॉलोअर्स हैं। हाल ही में नेहा शर्मा फिल्म आफते इश्क में भी नजर आई थी। शिक्षा अधिकारियों का महीने का 2/3 समय अब गुजरेगा फील्ड में। राज्य के सरकारी स्कूलों की शिक्षा को चुस्त दुरुस्त करने के लिए विभागीय अधिकारी और मुस्तैदी से अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे, जिसके तहत ही वो अपने पदस्थापना के कार्यालय में कम जबकि फील्ड में अधिक समय गुजारेंगे। ताजा जानकारी के अनुसार शिक्षा की बेहतरी के लिए संचालित सरकार की योजनाओं की वस्तुस्थिति को धरातल पर जाकर देखेंगे। साथ ही पठन पाठन, वर्ग कक्ष संचालन, शिक्षकों की उपस्थिति आदि का सघन अवलोकन करेंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस महकमे में योगदान के साथ ही एक एक निदेशक और इकाई के कार्यकलापों की विस्तृत जानकारी लेने के बाद अफसरों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालयों के अधिकारियों को साफ साफ कहा है कि महीने में जितने कार्य दिवस आप कार्यालय में गुजारते हैं उसका 2 गुना फील्ड में बिताए। अब भूमि उपलब्ध करवाने के बाद ही होगा आवास की स्वीकृति। ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्राथमिकता सूची में शामिल भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराते हुए उनके आवास की स्वीकृति दिलाने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने पीएम आवास योजना की समीक्षा के दौरान साफ किया कि इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही इसको लेकर विभाग ने यह भी कहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से समन्वयन स्थापित करे। मालूम हो कि इस योजना के अंतर्गत भूमि खरीद के लिए प्रति लाभुक 60,000 की सहायता दी जाती है। मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार प्रत्येक गृहविहीनी को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही जिलों को यह भी निर्देश है कि मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना का लाभ संबंधित लाभुकों को दिलाना सुनिश्चित कराए। रेल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक सर्विस राइट्स लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। रेल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड ने जूनियर मैनेजर, सीनियर जियोलॉजिस्ट, सिविल इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल इंजीनियर, SHE एक्सपर्ट, DGM के कुल मिलाकर 25 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास प्रासंगिक विषय में BE या BTEC या BSc या MA या MS या CA या ICWA की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 1 जून 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.rightsltd.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बीपीएससी पेपर लीक मामले में EOU की बड़ी कार्रवाई। बीपीएससी पेपर लीक मामले के बाद भद पिटवा चुकी सरकार अब पेपर लीक में संलिप्त दोषियों को पकड़ने में लगी हुई है, जिसमें जांच टीम को भी लगातार सफलताएं मिल रही है। इसी बीच बीपीएससी पेपर लीक मामले में EOU की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आर्थिक अपराध इकाई ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आर्थिक अपराध इकाई के ADG नैयर हसनैन खान ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में कृषि विभाग का एक क्लर्क शामिल है। ये क्लर्क पेपर लीक करने वाले गिरोह का सदस्य है। इस गिरोह के पास से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट
गैजेट और आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई है। गिरोह के सदस्य के बैंक अकाउंट में लाखों रुपए का पता चला है, जिसके बाद ईओयू ने बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। गिरोह के 4 सदस्य अभी फरार बताए जा रहे हैं। इन सभी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। ऑनलाइन ही मिलेंगे जमीन दस्तावेज। बिहार में आने वाले समय में अब जमीन संबंधी दस्तावेज ऑफलाइन नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि अब ये सभी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार राज्य में जमीन संबंधी दस्तावेजों का ऑफलाइन वितरण बंद हो गया है, जिसका मतलब ये साफ है कि अब म्यूटेशन का नकल हो या LPC, हर दस्तावेज के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन ही दस्तावेज निकलेंगे। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिकारियों की सूची भी जारी कर दी है, जिन्हें डिजिटल हस्ताक्षर के लिए नामित किया गया है। जो अधिकारी नामित किए गए हैं, उनसे अलग किसी अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। राजस्व भूमि सुधार विभाग ने 7 तरह के ऑनलाइन दस्तावेज करने की व्यवस्था की है। सभी दस्तावेज जारी करने के लिए अलग अलग अधिकारी को नामित किया गया है। कैडस्ट्रल सर्वे, रीजनल सर्वे और चकबंदी खतियान की नकल जिला अभिलेखागार के प्रभारी पदाधिकारी जारी करेंगे। बैडमिंटन में थॉमस कप जीत, भारत ने रचा इतिहास। नीतीश कुमार ने दी शुभकामनाएं। बैडमिंटन का विश्व कप कहे जाने वाले थॉमस कप 2022 के फाइनल में भारतीय टीम ने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से मात देकर 73 साल के सूखे को खत्म कर दिया और पहला खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट को अपने नाम करने वाली 6 टीम बन गई है। भारतीय बैडमिंटन टीम के लिए लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत, HS प्रणॉय, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की डबल्स की जोड़ी ने फाइनल मैच में शानदार प्रदर्शन किया है और 14 बार की चैंपियन को 3-0 की मात दी। रविवार को भारतीय बैडमिंटन की मिली इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरा देश खुशी से झूम रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम को थॉमस कप जीतने पर शुभकामनाएं दी है। कार्यपालक सहायक नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार, 8,000 से ज्यादा पदों पर होगी नियुक्ति। बिहार के कार्यपालक सहायता नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार हो गया है, जिसके बाद ही जल्द ही बिहार में पंचायती राज विभाग के 8,067 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति का काम होने वाला है। ये संविदा के पद होंगे। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के सभी 8,067 ग्राम पंचायतों में 2-2 कार्यपालक सहायकों की पदस्थापना का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में पंचायतों में 1-1 कार्यपालक सहायक कार्यरत है। पंचायतों में स्थापित RTPS काउंटर को नियमित रूप से बेहतर संचालन को लेकर ही 1-1 और कार्यपालक सहायक की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अब इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति जल्द ही ली जाएगी। इसके बाद इन पदों के सृजन की मंजूरी कैबिनेट से प्राप्त कर नियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। अतिक्रमण से मुक्त होंगे बिहार के इस जिले के तालाब और जलाशय। बिहार में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। आलम कुछ यूं है कि सरकारी जमीन पर तो अवैध कब्जा है ही, तालाब और जलाशय भी इससे अछूते नहीं है। यही कारण है कि बिहार की नीतीश सरकार जमीनों के साथ साथ तालाब और जलाशय को भी अतिक्रमण मुक्त करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में पटना के तालाब और जलाशय जल्द ही अतिक्रमण मुक्त होने वाले हैं। इसको लेकर जलकर एवं तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु पटना जिले के दानापुर, मसौढ़ी, पालीगंज और बाढ़ अनुमंडल में अनुमंडलवार टीम का गठन किया गया है। स्माहर्ता सह अध्यक्ष, प्रबंध समिति, मत्स्य पालक विकास अभिकरण पटना डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह संबंधित अनुमंडल के भूमि सुधार उपस्माहर्ता की अध्यक्षता टीम गठित करते देखे गए। इसको लेकर पटना DM डॉक्टर सिंह द्वारा जिला मत्स्य पदाधिकारी से प्राप्त सूची को संलग्न करते हुए निर्देश दे दिया गया है कि संबंधित अंचलाधिकारी जिला मत्स्य पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर अतिक्रमण जलकर तालाबों के संदर्भ में विधिवत अतिक्रमणवाद प्रारंभ कर संबंधित जलकर और तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। बिहार के 20 शहरों के लिए मास्टर प्लान का काम जल्द होगा शुरू। राज्य के 20 शहरों के मास्टर प्लान बनाने का काम जल्द ही शुरू हो सकेगा, जिसके तहत ही भभुआ, जमुई, बगहा, अररिया, मधुबनी, शिवहर, फारबिसगंज, औरंगाबाद, डेहरी, सीतामढ़ी, हाजीपुर, लखीसराय, मोतिहारी, खगड़िया, सासाराम, कटिहार, बेतिया, सिवान, किशनगंज और बक्सर के लिए मास्टर प्लान बनाने का काम हो रहा है। इन शहरों से प्लानिंग एरिया यानी कि आयोजन क्षेत्र के गठन के बाद अब आयोजन प्राधिकार यानी प्लानिंग अथॉरिटी का गठन भी कर दिया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के अनुसार राज्य के 18 जिला मुख्यालय समेत 44 शहरों के मास्टर प्लान पर काम चल रहा है। पटना का मास्टर प्लान 2031 पहले से तैयार है। प्राधिकार के पास प्लानिंग एरिया के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के साथ ही अन्य विकास योजनाओं की तैयारी, क्रियान्वयन और अन्य नियमानुकूल कार्रवाई की जिम्मेदारी होगी। के चुरांद में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। चुरांद छपरा से 11 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में डोरीगंज बाजार के समीप घाघरा नदी के उत्तरी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। चुरांद ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल, इन दोनों कालों का जीता जागता गवाह है, जहां खुदाई करने पर बौद्ध काल, ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल के प्रमाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। सन 1962-1963 में प्रोफेसर BP सिन्हा द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। उत्खनन में 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। इनकी कार्बन तारीख पूर्व 4900 ज्ञात हुई है।
ग्रेजुएट चायवाली के बाद अब आत्मनिर्भर चायवाली के चर्चे। बिहार में कुछ दिनों से ग्रेजुएट चायवाली के चर्चे तेज ही थे कि अब आत्मनिर्भर चायवाली ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। आत्मनिर्भर चायवाली के टी स्टॉल पर भीड़ उमड़ती दिख रही है। खास बात यह है कि दोनों ने बेरोजगारी के दौर में चाय की पटरी पर रोजगार का विकल्प खोजा है। दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत कर परिकल्पना से प्रेरित है। दोनों चायवालियां उच्च शिक्षा प्राप्त और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है। टीए की पढ़ाई के बाद जब मोना पटेल को महज 15,000 की नौकरी मिली तो चाय बेचने का उन्होंने फैसला किया। इसके पीछे पटना में ग्रेजुएट चायवाली के नाम के चर्चे में आई प्रियंका की सफलता की कहानी भी प्रेरणा बनी। फिर क्या था, मोना नौकरी छोड़ परिवार को बिना बताए पटना के गांधी मैदान के पास चाय बेचने लगी है। विश्वेश्वरैया भवन में अगलगी की आयुक्त और फोरेंसिक टीम ने की जांच। बिहार के सबसे बड़े सरकारी भवन विश्वेश्वरैया भवन में अगलगी की आयुक्त और फोरेंसिक टीम ने जांच पूरी कर ली है। ज्ञात हो हाल ही में विश्वेश्वरैया भवन के पांचवें फ्लोर पर पश्चिमी छोर पर सुबह आग 5 बजे लग गई थी। भवन के पांचवे और छठे तल्ले पर लगी आग के मामले में जांच के बाद ये बात सामने आई है कि 60% कागजात जलने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री और सचिव का चैम्बर और उसमें रखे सारे कागजात सुरक्षित है। सचिव के चैम्बर में रखे कागजातों पर धुएं के कारण केवल कार्बन गिरा हुआ है जिसे साफ कर लिया गया है। गलियारे के दोनों तरफ बने चैम्बर में आग नहीं पहुंचने के कारण उसमें रखे सारे कागजात बच गए हैं। खास बात यह है कि हॉल को पार्टीशन कर कर्मियों को बैठने के लिए बनाए गए छोटे छोटे केबिन और उसमें रखे कागजात जल गए हैं। जिन पदाधिकारियों के चैम्बर बंद थे उसमें कोई क्षति नहीं पहुंची है। हालांकि इन सबके बीच आज से चौथे मंजिलों तक के कार्यालय को खोलने का काम हो रहा है। कार्यरत कचहरी सचिवों को 5 साल का सेवा विस्तार। नए नगर निकाय बनने के कारण बेरोजगार हुए ग्राम कचहरी सचिवों को नए सिरे से नौकरी की खोज नहीं करनी होगी। इनकी संख्या 300 से अधिक है। फिलहाल उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। हाँ, उन्हें इस पद पर होने वाले नए नियोजन में प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि ग्राम कचहरियों में कार्यरत सचिवों को फिलहाल सेवा विस्तार दे दिया गया है जो कि 5 वर्षों का है। इनकी संख्या करीब 5,000 है। अहम यह है कि जहां सचिव नहीं है वहां अतिरिक्त जिम्मेदारी के प्रभार नए नियोजन तक के ये पद पर बने रहेंगे। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंचायतों के नगर निकाय में परिवर्तित होने से जिनकी सेवा प्रभावित हुई है सरकार ऐसे लोगों के नियोजन पर गंभीरता से विचार कर रही है। राजीव बने मुख्य चुनाव आयुक्त। रविवार को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार बिहार कैडर के आईएएस रहे राजीव कुमार ने संभाल लिया है। वो सुशील चंद्रा का स्थान लेते देखे गए जिनका कार्यकाल 14 मई को ही पूरा हुआ है। पिछले सप्ताह गुरुवार को विधि मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर राजीव को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाने की घोषणा की थी। मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले राजीव कुमार बिहार झारखंड कैडर 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी हैं। फरवरी 2020 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त भी हुए थे। वहीं जारी आदेश के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 2 के अनुसरण में राष्ट्रपति ने राजीव कुमार को 15 मई 2022 से मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। राजीव कुमार को मेरी शुभकामनाएं। नियुक्ति पत्र में कहा गया है कि सुशील चंद्रा का कार्यकाल शनिवार को पूरा हो रहा है। CDPO की प्रारंभिक परीक्षा में इतने प्रतिशत छात्र रहे अनुपस्थित। बिहार लोक सेवा आयोग के तहत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा रविवार को ली गई। परीक्षा एक पाली में आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान एक भी परीक्षार्थी का निष्कासन नहीं हुआ। साथ ही परीक्षा कदाचार मुक्त हो इसके लिए वरीय अधिकारी घूम घूम कर परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करते देखे गए। ये पटना जिले में हुए परीक्षा का हाल है। विधि व्यवस्था को लेकर भी अधिकारी चौकस दिखे। वैश्विक महामारी COVID-19 को ध्यान में रखते हुए निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार अभ्यर्थियों को शारीरिक दूरी का अनुपालन कराते हुए परीक्षा केंद्र में प्रवेश कराया जा रहा था। वही परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले पदाधिकारियों की देखरेख में पूरी जांच कराकर प्रवेश कराया गया। CDPO परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों में काफी उत्साह देखा गया। साथ ही इस परीक्षा में लगभग 50% बच्चों की अनुपस्थिति देखने को मिली। साथ ही इस बार कट ऑफ मार्क्स पहले के मुकाबले ज्यादा रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार में राजद से गठबंधन नहीं रखना चाहती कांग्रेस, चिंतन शिविर में हुई चर्चा। बिहार में महागठबंधन के बीच में कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के हाल ही में हुए चिंतन शिविर में कम से कम इसी बात के संकेत मिले हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भाजपा को मात देने के लिए कांग्रेस के कई नेताओं का मानना रहा है कि राज्य के क्षेत्रीय और छोटे दलों के साथ गठबंधन किए जाए, इससे विपक्षी एकता भी होगी और कांग्रेस को ज्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी, प्रमोद तिवारी और पृथ्वीराज चौहान आदि ने सहित और कई नेताओं की दलील थी कि एकला चलो मॉडल अपनाने में ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए गठबंधन की संभावना तलाशनी चाहिए। हालांकि गठबंधन पर सभी एकमत नहीं है। कई नेताओं ने साफ तौर पर एकला चलो की नीति पर ही चलने की बात कही है। जानकारी के अनुसार गठबंधन का सबसे मुखर विरोध बिहार कांग्रेस की तरफ से किया गया। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने गठबंधन का विरोध करते हुए उनकी दलील थी कि दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है।
जातिगत जनगणना पर एनडीए में नहीं है मतभेद। जातिगत जनगणना के मामले में जहां एनडीए दो फाड़ में नजर आती रही है, इसी बीच अब इस मामले को लेकर एनडीए में मनभेद की खबर का मंत्री जी ने खुद खंडन किया है। बीते दिन बिहार सरकार के खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम कैमूर पहुंचे थे, जहां पर ही उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर एनडीए में कोई मतभेद नहीं है, हम सभी माननीय मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं। जब मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री के पास सर्वदलीय समिति में जाने का मौका दिया तो उसमें मुझे भी मौका मिला था। देश संविधान से चलता है और संविधान की ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। देश के प्रधानमंत्री का जो मार्गदर्शन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलता है, मुख्यमंत्री उनके मार्गदर्शन के बाद जो निर्णय लेते हैं उनके साथ हम लोग खड़े हैं। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी के लिए राजद में मचा बवाल। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब की चर्चा बीते दिन से बिहार की राजनीति में शुरू हो गई है। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब के लिए अब एनडीए के सहयोगी दलों में हमदर्दी दिखने लगी है। दरअसल राज्यसभा चुनाव की घोषणा होते ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी के तरफ से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राज्यसभा भेजे जाने की मांग राजस्व की तरफ से की जाने लगी थी। इसको लेकर जीतन राम मांझी जी के पार्टी के प्रधान महासचिव दानिश रिजवान ने अपनी बात कही है। साथ ही लालू प्रसाद यादव से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि अगर आप मुसलमानों के सच्चे हितैषी हैं तो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को राज्यसभा के होने वाली सीट पर उम्मीदवार बनाकर मुसलमानों के बीच ये संदेश दे कि वो उनका इस्तेमाल नहीं होने देंगे बल्कि उनकी हिमायती है। चिराग पासवान के निशाने पर फिर आए सीएम नीतीश। बिहार लोजपा आर के चिराग पासवान सीएम नीतीश पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं गवाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से चिराग ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा है, जिसके तहत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद चिराग पासवान का कहना है कि बिहार में एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैदल चलकर विरोधी दल के नेता के यहां गए हैं और वहां घंटों बैठकर नई संभावना तलाश रहे हैं, उससे साफ है कि जल्द बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। खगड़िया के दौरे पर आए चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जातीय जनगणना को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं होगा कांग्रेस का कायाकल्प। बिहार समेत देश भर में कांग्रेस अपना वर्चस्व बचाने में लगी हुई है। इसी के तहत बिहार में भी कांग्रेस अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। कांग्रेस की इसी जद्दोजहद पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि कांग्रेस अपनी दशा सुधारने के लिए चिंतन करे या मंथन, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसको लेकर बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस बयान जारी कर आगे कहा कि उदयपुर में चली 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर में कांग्रेस भले अपनी गलतियों को सुधार कर नए लोगों को मौका देने की बात कर रही हो, पर कांग्रेस की स्थिति ढाक के 3 पात वाली है। कांग्रेस आलाकमान को अगर पार्टी बचानी है तो खुद में बदलाव लाना होगा। परिवारवाद, वंशवाद और तुष्टिकरण की नीति को छोड़कर राष्ट्रवाद की नीति अपनानी होगी, वरना वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस का झंडा ढोने वाला भी नहीं रहेगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 27% ओबीसी कोटा पर रोकने कोलकाता उच्च न्यायालय के निर्णय को 2008 में खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर थिम्पू 2008 में पहुंचे थे। अजलन शाह कप हॉकी प्रतियोगिता में पीटीआई पिछले विजेता भारत और दक्षिण कोरिया को बारिश के कारण मैच नहीं हो सकने के कारण संयुक्त विजेता 2010 में घोषित किया गया था। भारत के एक बड़े बिजनेसमैन रुस्तमजी होमसजी मोदी का निधन आज ही के दिन हुआ था। आरएन माधोलकर का जन्म 1857 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने एक अवधि तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। भारतीय राजनेता और विद्वान पूर्व विदेश मंत्री भारत सरकार नटवर सिंह का जन्म 1931 में हुआ। उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और भाषाविद गोपाल चंद्र प्रहराज का निधन 1945 में हुआ। जंक्शन पर अब इनके लिए अलग होगी पार्किंग की सुविधा। पटना जंक्शन पर अब एक खास वर्ग के लिए पार्किंग की अलग व्यवस्था होने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार स्टाफ के लिए पार्किंग की अलग और बेहतर व्यवस्था होगी। इसमें जंक्शन के अलावा रेलकर्मी, जीआरपी, आरपीएफ, लाइसेंस रेलवे जुडिशियल, पार्सल लोडर के अलावा प्रेस और मीडिया के लोगों के लिए भी पार्किंग होगी। यहां करीब 100 से अधिक 2 पहिया वाहन सुरक्षित रूप से खड़े किए जा सकेंगे। जानकारी के अनुसार रेलकर्मियों और लाइसेंसी के लिए मासिक पास की व्यवस्था भी की जाएगी, जबकि प्रेस और मीडिया के लोगों को केवल उनके आई कार्ड के आधार पर पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। दानापुर रेल मंडल के एक अधिकारी ने बताया है कि पटना जंक्शन के मंदिर छोड़ में टिकट घर के सामने वाले हिस्से में स्टाफ की पार्किंग होगी। दूसरी तरफ रेलवे प्रशासन ने इसके लिए जगह निर्धारित करके बैनर पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स को 24 रनों से हराकर राजस्थान प्लेऑफ के करीब। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2022 में रविवार को खेले गए दूसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 24 रनों से हरा दिया। इस नतीजे के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद काफी मजबूत हो गई है। उसके 13 मैच में 16 अंक है, लखनऊ के भी 13 मैच में 16 अंक है। बेहतर रन रेट की वजह से राजस्थान रॉयल्स अब पॉइंट टेबल में नंबर 2 पर पहुंच गई है। राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 178 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा 41 रनों की पारी खेली। जवाब में लखनऊ की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 154 रन ही बना सकी। दीपक हुड्डा ने सबसे ज्यादा 59 रन बनाए। ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा और ओबेड मकोए ने 2-2 विकेट लिए। बोल्ट ने बल्लेबाजी में भी हाथ दिखाते हुए 9 गेंदों पर 17 रन बनाए थे।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है नुनु कुमार, क्रिएट नॉलेज, शंकर मुखिया, गौरव विजन, अंकुश कुमार, महेश दास, मनोज कुमार, प्रदीप पाठक, रंजन कुमार, उत्तम पांडे, संजीत कुमार, वीरेंद्र कुमार महतो, मृत्युंजय कुमार, धीरज कुमार, नीरज कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार ऑनलाइन जमीन संबंधी दस्तावेज मिलने से फायदा होगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।